गोविंद पानसारे हैं, और इन सब में सबसे बड़ा नाम जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से आता है वो नरेंद्र दाभोलकर का है, उनकी भी हत्या कर दी। इन सारी चीजों की जानकारी के लिए हमारे साथ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सहयोगी साथी उत्तम जोगदंड जुड़े हुए हैं। आप लोग इन्हें चेहरे से अब पहचानने लगे होंगे। सबसे पहला खुलासा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इन्होंने ही किया था और चैलेंज किया। उत्तम जी आपका स्वागत है, और सीधे तौर पर हम अपनी बात पर आते हैं कि आखिरकार तर्कशास्त्रियों से पहली दुश्मनी पाखंडियों चमत्कारियों की क्यों है? दूसरी बात कि अब तक जो हत्याएं हुई हैं उनमें क्या कभी कोई गिरफ्तार हुआ, या गिरफ्तार हुआ तो कोई सजायाफ्ता हुआ, ये क्या स्थिति? नमस्कार अजय जी, सबसे पहले आपका और जनज्वार का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आज बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो अग्नि तांडव निर्माण हुआ है, बवाल खड़ा हुआ है, इसकी जो नींव है, इसकी चिंगारी जो है, जनज्वार ने डाली थी। आपकी हमारे साथ बातचीत हुई थी जी, और सबसे पहली बार उन्हें आह्वान दिया था, चैलेंज दिया था, तो इसलिए और आपका चैनल ये जो कर रहा है, ये केवल नाम पाने के लिए नहीं बल्कि अंधविश्वास या जो भी गलत प्रथा है उसके उन्मूलन के लिए शुरू से करता आ रहा है, ये कोई आजकल की बात नहीं है। तो इसके लिए आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत सलाम। अब मुड़ते हैं हमारे विषय की तरफ। एक तो ये हत्याएं जो होती है तर्कशास्त्रियों की, ये कोई नई बात नहीं है। आप अगर अतीत में झांक कर देखेंगे तो मत इसमें देखिए, धर्म की एक व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था, लोग कहते हैं कि धर्म तो बहुत अच्छा होता है, धर्म में ऐसा लिखा नहीं वैसा लिखा नहीं, लेकिन धर्म को अपनी जैसे मालिक अपने आप को समझने वाले लोग होते हैं, वो अपने रीत रिवाज नियम चला देते हैं, और उसके खिलाफ जो भी जाता है तो उससे उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उसको धोखा पहुंचता है, खतरा पहुंचता है, और तब जाके ऐसा हो जाता है। और इसकी शुरुआत हमारे भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे तो शंबुक की हत्या हुई थी, एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, क्योंकि वो जो व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कुछ किया, व्यवस्था के साथ चल के अपनी हैसियत में रहने से मना कर दिया। चार्वाक वालों का जैसे खात्मा हुआ। फिर विश्व के स्तर पर देखेंगे तो सॉक्रेटिस को जहर का प्याला पीना पड़ा था, सच बताया इसलिए, ब्रूनो को जिंदा जलाया गया था, क्यों? क्योंकि उसने ये कहा कि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और जो बाइबल में लिखा था उसके खिलाफ है। गैलीलियो बेचारा, उसने भी यही कहा कि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इन्होंने चर्च वालों ने कहा कि नहीं, आप गलत कह रहे, आप माफी मांगो नहीं तो आपको मौत की सजा दे देंगे। बेचारे ने माफी मांगी, लेकिन उसे जन्म जो उम्र कैद की सजा हो गई और उसी में उनका अंत हो गया, क्योंकि वो सच कहा उन्होंने, धर्म शास्त्र ने जो कहा है या धर्म शास्त्री जो कहते हैं उसे मानने से मना किया। महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी का उदाहरण है जी। वे जो पिछले 500 साल पहले जब वो यहाँ थे शिवाजी महाराज के समय 17वीं सदी में, उस समय उन्होंने इसी तरह जो धर्मशास्त्री है, धार्मिक पाखंड है, उसके खिलाफ आवाज उठाई। उनकी मृत्यु हमें पढ़ाया जाता था कि उन एक पुष्पक विमान आ गया और उन्हें उठाकर लेके चला गया, लेकिन अब पता चलता है कि कोई पुष्पक विमान वगैरह नहीं आया था, पुष्पक विमान केवल संत तुकाराम के लिए क्यों आएगा। तो उनका देह भी नष्ट कर दिया था मारकर, ये आप इतिहासकार ढूंढ कर निकाल रहे। बसवेश्वर अन्ना को जो लिंगायत धर्म उन्होंने स्थापित किया, उनके जो चेले थे उनकी हालत क्या हो गई, और रिसेंट पास्ट में एमएफ हुसैन अपनी चित्रकला में कुछ किया इसलिए उनको धमकियां मिली, उनको बाहर जाना पड़ा। तस्लिमा नसरीन निर्वासित का जीना जी रही है। सनल एडमारकू रेशनलिस्ट थे, वो विदेश में पनाह ले रखे हैं, क्योंकि उन्होंने एक
ईसाई मूर्ति थी कोई चर्च में, उसमें जो पानी टपक रहा था, लोग बोल रहे थे कि वो मूर्ति रो रही है, तो उन्होंने यह ढूंढ के निकाला कि जो ड्रेनेज लाइन थी उसके लीकेज का पानी वहां से आ रहा है, जिससे उनके धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। अभिजीत रॉय बांग्लादेश के, उनकी हत्या हो गई। ये सब हत्या इसलिए होती है क्योंकि ये लोग जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था धर्म के नाम पर अपना राज चला रही है, अमल चला रही है, और उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए, उनका वास्तव लोगों के सामने आए, तो उनकी गद्दी हिल जाती है। ये उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो उनकी आवाज तार्किक रूप से तो बंद कर ही नहीं सकते, तो आवाज बंद करने का एक ही जरिया है, उनको खत्म करना। और इसी सिलसिले में नरेंद्र दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे, डॉक्टर M.M. कलबुर्गी और गौरी लंकेश, इनकी हत्या हो गई। इन्होंने क्या किया सर, नरेंद्र दाभोलकर अंधविश्वास और जो पुरानी शोषण करने वाली रूढ़ी प्रथा परंपरा है उसके खिलाफ आवाज उठाई। वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, जो पत्थर होते हैं, ग्रह तारों के पत्थर, उनके खिलाफ आवाज उठाई। पानसरे जी ने क्या किया, शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा बनाई थी यहाँ के लोगों ने कि वे मुस्लिम विरोधी है, तो उन्होंने अनुसंधान करके यह एक बुक निकाला, शिवाजी कौन होता, और उसमें ये ऐसा साबित कर दिखाया कि शिवाजी महाराज उस जमाने के सेक्युलर राजा थे, उनकी सेना में मुस्लिम सैनिक थे, मुस्लिम कप्तान थे, और सभी जाति धर्म के लोग उनके साथ थे, और रयत के राजा थे, ये उन्होंने दिखाया। इसीलिए इन लोगों की भावनाएं आहत हो गई। लिंगायत समाज में समाज सुधार का काम कलबुर्गी जी ने किया, उन्होंने वचनों में अनुसंधान किया जो बसवेश्वर जी के वचन थे, और एक प्रगतिशील, और उन्होंने यह साबित कर दिया था कि लिंगायत यह धर्म है, यह कोई पंथ नहीं, हिंदू धर्म का पंथ नहीं है, उनकी हत्या हो गई। और गौरी लंकेश तो आप जानते हैं कि बहुत ही कड़ा प्रहार करती थी वो हिंदू धर्म की अनिष्ट प्रथा पर, और वो इतना तक कहती थी कि ये अनाथ धर्म है, इसका कोई माए बाप नहीं है, और इसे धर्म भी क्यों कहा जाए, मतलब धर्म की कठोर चिकित्सा करने वाले लोगों की हत्या हो जाती है, ये यहाँ इतिहास बता रहा है, नजदीक का इतिहास बता रहा है। तो ये जो चारों हत्याएं हुई जो कि तर्कशास्त्रियों की हैं, M.M. कुलबर्गी, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश और नरेंद्र दाभोलकर, इन सभी में मुकदमे चले, इनकी स्थिति क्या है, क्या किसी को सजा भी मिली है या सब छूट गए? बहुत ही दुख की बात है कि इनके मुकदमे आज भी चालू है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त 2013 में हुई, उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जी। तो यह प्रकरण CBI के पास 2014 में जांच के लिए चला गया, और उसका आरोप पत्र जो होता है दाखिल हुआ 2019 में। वाह। और इसका आरंभ जो हुआ इस मुकदमे का, वो सितंबर 2021 में, यानी 13 में उनकी मृत्यु हो गई, 21 में मुकदमा शुरू हो जाता है। आज की स्थिति है कि 32 गवाह थे, उसमें से 15 की जांच शिनाख्त हो चुकी है, और CBI यह कह रहा है कि अब इसकी जांच हम आगे बंद कर देंगे, क्योंकि सब हो चुका है, आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है। लेकिन उसका विरोध करने के लिए दाभोलकर जी का परिवार और उनके वकील, उनके हिसाब से जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, कुछ आरोपी अभी तक अभियुक्त फरार है, वो जो मोटरसाइकिल यूज की थी वह भी अभी तक मिली नहीं हुई है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके जो सूत्रधार है, इसके पीछे जो कुछ चला रहा है, जो कुछ खेल खेल रहा है, उनको अभी तक किसी ने स्पर्श नहीं किया है। और मजे की बात देखिए, इसमें सितंबर 14 तक कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, आगे BJP की आ गई, तो ये जो ढुलमुल चल रहा है ना, ये बहुत ही मतलब
पर्टिकुलरली जो रैशनलिस्ट होते हैं, विवेकवादी होते हैं, उनके प्रकरणों में जो ढिलाई बरती जा रही है वो निषेधार्य है। दूसरी बात, शीना बोरा का बहुत ही पेचीदा केस था, ये इन्होंने, इनके अधिकारियों ने उस अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन यहाँ वो नहीं हो रहा है। मतलब ये अगर नरेंद्र अभोलकर की केवल बात करें तो 2013 में हत्या, 2019 में चार्जशीट फाइल और 2021 से ट्रायल शुरू, ये स्पीड है ना। मतलब यानी इससे ये पता चल रहा है कि सरकारों की भी कोई मंशा नहीं है कि जो अपराधी हैं वो दोषी साबित हों और उनको सजा मिले, इससे तो यही पता चल रहा है। जिस तरीके से प्रकरण चल रहे हैं, अभी कॉमरेड गोविंद पानसरे जी की हत्या, उनके ऊपर हमला 16 फरवरी 2015 में हुआ था जी। और 20 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके आरोप जो फ्रेम किए जाते हैं, चार्जेस फ्रेम किया जाना जी। वह जी। इस महीने में हुआ है, जनवरी 23 में। इतनी स्पीड स्लो है, इतनी ये स्पीड है। बीच में उनके परिवार वालों भी बहुत सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि इसके ऊपर एसआईटी का गठन करके इसकी जांच में गति लानी चाहिए, तो ये इतना समय इसमें लगा। एमएम कलबुर्गी, उनकी 30 अगस्त 2015 में इस दिन हत्या हो गई थी, इसमें भी बहुत देरी हो गई। उनके भी लोग जो परिवार वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय में गए, और अगस्त 19 में इनका आरोप पत्र दाखिल हुआ है। और गौरी लंकेश का केस था, वह पांच में ये था, मतलब जिसमें अन्य तीन प्रकरणों में भी गौरी लंकेश केस के कारण कुछ सुराग मिल गए जी। 5 सितंबर 2017 को गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, तो अक्टूबर 2021 में उनके चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं और जुलाई 22 में इसका मुकदमा शुरू हो चुका है। लेकिन इस केस में जो जांच हुई, 18 लोगों की लोगों के ऊपर आरोप था, उसमें से 17 गिरफ्तार हो गए, और यह पता चला कि बाकी तीन हत्याओं के तार भी इन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और इससे पता चलता है कि इन सब लोगों का सूत्रधार एक ही होगा। और वो सूत्रधार का क्या नाम आ रहा है? क्या एक नाम आता है सनातन संस्था की, जो एमएम कुलबर्गी या गोविंद पानसरे वाले मामले में भी नाम आया है, क्या वो लोग हैं या कोई और संस्था है कट्टरपंथियों? अभी इसके लिए ये जांच करना तो इनका काम है, काम, क्योंकि जब दाभोलकर जी की हत्या हुई थी तब इनकी ही वेबसाइट के ऊपर हत्या के पहले या हत्या के बाद दाभोलकर के फोटो के ऊपर लाल रंग में क्रॉस मार देना, उनकी हत्या के ऊपर आनंद प्रकट कर देना, इससे पता चल जाता है कि भाई इनको खुशी क्यों हो रही है इनकी हत्या के ऊपर। बाद में भले वो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो निषेध करते हैं, हमारा इसमें हाथ नहीं है वगैरह, लेकिन ये खुशी क्यों हो रही है, तो ये जांच करना, ये जांच एजेंसियों का काम है। तो ये क्या जांच एजेंसियां हत्या के अलावा एक सांस्कृतिक पिछड़ापन की पैरोकार जो संस्थाएं हैं, जो तरह तरह की कट्टरपंथी संस्थाएं हैं, उन उस तरफ भी जांच की दिशा है सीबीआई की, या सिर्फ क्राइम कहे एंगल से जांच है? जहां तक सामने आ रहा है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसमें ये सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी हो, एसआईटी हो, इनका सबका ध्यान केवल इस तरफ होता है कि खून किसने किया, उन्हें पकड़ो और उन्हें सजा दिलवाने के लिए मुकदमा दाखिल करो। इसके आगे कुछ नहीं हो रहा है कि भाई ये लोग कौन है, ये किस से जुड़े हुए हैं, उनके वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस बारे में वो कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने किया उनके ऊपर मुकदमा दायर करो, इतना ही हो रहा है। उत्तम जी, ये तो एक चीज हुई जो पुलिस, सरकार और जो कट्टरपंथी संस्थाएं हैं। अब आते हैं सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों पर की तरफ, कि क्या भारत में इन तर्कशास्त्रियों की, आज आप देख रहे होंगे पूरा उत्सव है, करोड़ों रुपए टीवी वालों ने झाड़ लिए होंगे अपने खाते में, अरबों कमा लिए होंगे, सबका मिला दिया जाए, लेकिन उन आंदोलनकारी जिनके जरिए ये करोड़ों अरबों झाड़ लिए हैं, या वो सामाजिक लोग जो खुशी प्रकट करते हैं कि हाँ बहुत सही काम आप कर रहे हैं,
क्या इसको लेकर कोई आंदोलन भी चल रहे हैं कि साहब 10 साल हो गए नरेंद्र दाभोलकर जैसे व्यक्ति को आज तक आपने चार्जशीट फाइल की और अभी सुनवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो इसको लेकर कोई आंदोलन देश में, उत्तर भारत खासकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में, आपका दक्षिण पश्चिम भारत, कहीं कुछ चल रहा होता है या सब जगह यूं ही स्थिति? जहां तक हमारे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का सवाल है जी, महाराष्ट्र में दाभोलकर जी की हत्या के बाद हर वर्ष उनकी जो हत्या हुई थी 20 अगस्त के दिन हम आंदोलन करते हैं। बीच में कई प्रकार के आंदोलन किए, जैसे पोस्ट कार्ड राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उनको हजारों पोस्ट कार्ड भेजना, फिर निर्भय वार्निंग मॉर्निंग वॉक के समय दाभोलकर जी की हत्या हुई थी, इसलिए सब मिलकर हर शहरों में निर्भय मॉर्निंग वॉक का आयोजन करते हैं। पंजाब की तर्कशील सोसाइटी, उन्होंने भी आंदोलन किए हुए हैं। तो ये अभी तक, और मजे की बात देखिए, ये प्रकरण दाभोलकर जी का जब सीबीआई के पास गया तो कई महीनों तक उसके ऊपर कुछ देखा ही नहीं उन लोगों ने। बाद में पता चला कि वो लोग इसलिए बैठ गए कि भाई ये इसके कागजात जो है सब मराठी भाषा में है, उसका उन्हें अनुवाद करके चाहिए। वाह, ये है भारत की सबसे भरोसेमंद विश्वस्त जांच एजेंसी का। तो ये कई महीने ऐसे ही पड़ा रहा। तो कई बार कोर्ट ने, तो आप अगर पुराने जो समाचार पत्र है वो देखेंगे तो कोर्ट ने इतनी बार जांच एजेंसियों को फायर किया है, लताड़ा है, लेकिन वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और हम लोग, चूंकि मैं आपसे उत्तम जी उत्तर भारत से बात कर रहा हूं, आप इस वक्त दक्षिण पश्चिम भारत में बैठे हैं, तो आपकी संस्था चूंकि देश के कई हिस्सों में काम करती है, तो मैं अगर पूछूं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसको कि उत्तर भारत कहते हैं और भारत सरकार मानती है कि 53 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषी हैं सीधे, बाकी आपकी तरफ हैं वो सब भाषी हैं अपनी भाषा के अलावा, इस क्षेत्र में क्या स्थिति रहती है इन आंदोलनकारियों को लेकर या इन आंदोलनों को लेकर, एक संक्षिप्त टिप्पणी। हमारी स्वयं की, मतलब महाराष्ट्र अंधश्रद्धा श्रद्धा निर्मूलन समिति की कोई शाखा, क्योंकि हम महाराष्ट्र, हमारा कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र है, लेकिन जो अन्य राज्यों में काम करने वाले रैशनलिस्ट है या विवेकवादी लोग है, उनके संगठन है, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं कि ये संस्था किस प्रकार तरह स्थापित की जाए, कामकाज किस तरह किया जाए, हम वहां जाके ट्रेनिंग देते हैं वहां के लोगों को, और वो अपने ही नाम से अपनी संस्था चलाते हैं। और वो लोगों की शक्ति आप देखेंगे ना, तो हमारी शक्ति जो देश की जनसंख्या है, आबादी है, उसके सामने जहां भी हर एक राज्य में देखो कि हमारी ताकत बहुत कम है, कम ताकत होने के बावजूद भी हम आंदोलन करते हैं, और हमारे आंदोलन संवैधानिक तरीके से होते हैं, शांतिपूर्ण होते हैं, हम कभी रास्ता रोको नहीं करते हैं, लोगों को तकलीफ हो ऐसा कोई आंदोलन नहीं करते है। आज तक हमारे आंदोलन में किसी ने भी एक भी पत्थर उठा के किसी को मारा हुआ नहीं है। बैनर्स लेके, पोस्टर्स लेके, निवेदन देते हुए सरकारी अधिकारियों को, ऐसे हमारा आंदोलन होता है। तो हमारे जो समर्थक है वे सारे संगठन समय समय पर आंदोलन करते हैं, लेकिन उनकी ताकत या संख्या कम होने के कारण वह दिखाई नहीं देता, और मीडिया भी ऐसी बातों को कोई ध्यान नहीं देता। जी चलिए, झंझवार इस काम को करेगा और करता रहेगा, और अगली बातचीत हम लोग कोशिश करेंगे कि उत्तर भारत में तर्कशील आंदोलनों की स्थिति पर बात करें कि उनकी क्यों नहीं व्यापकता हो पाती है, जबकि सर्वाधिक पाखंड के मामले जो उजागर हो रहे हैं उनमें सबसे ऊपर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य हैं, तो इन राज्यों में वह आंदोलन मजबूत क्यों नहीं है, उसकी जड़ों में क्या है और क्या आंदोलनकारी शक्तियां एकजुट नहीं है, इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि संवैधानिक मूल्यों के लिए जरूरी है कि भारत में साइंटिफिक टेंपर, वैज्ञानिक चेतना का विकास, वैज्ञानिक व्यवहार और चीजों की समझदारी
बने और ढोंग पाखंड दूर हो, यह संविधान को मजबूत करने, देश की मजबूत करने की जिम्मेदारी का हिस्सा है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। जाते जाते मैं केवल इतना ही कहूंगा कि ये जो शक्तियां हैं जी, सनातन शक्तियां या जो भी शक्तियां हैं, उनका सबने मिलकर विरोध करना चाहिए। और जो धमकी मिली है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, हमारा संगठन शहीद दाभोलकर जी का संगठन है, और उन्हें जो धमकी मिली है उनका मैं निषेध करता हूँ, तीव्र शब्दों में, कड़े शब्दों में निषेध। श्याम मानव को जो धमकी मिली है, श्याम मानव जी को जो धमकी मिली है, क्योंकि धमकी मिलने और उसके बाद हत्या होने के बाद क्या अंजाम होता है, यह एक महाराष्ट्र अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति भुगत चुकी है। ये किसी भी रैशनलिस्ट की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, फिर एक बार उनकी हत्या का निषेध करता हूँ। और आपने ये जो अवसर दिया उसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। शुक्रिया। नमस्कार।